एक लड़की का सपना होता है वो शादी करे तो ऐसी बंदी से करे जो उससे प्यार करे, सपोर्ट करे, उस पर भरोसा करे, बस इतना ही चाहिए। लेकिन हमारे ड्रामे की फीमेल लीड सीरन के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। भले ही उसने शादी तो लव मैरिज की हुई थी, लेकिन उसका जो हस्बैंड था एक गलतफहमी के चक्कर में उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करवा देता है जिसके लिए शायद ऊपर वाला भी वो कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। हम इस ड्रामे में यही देखने वाले हैं कि हमारी चिरान के साथ ऐसा क्या हो गया था, उसने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से उसका जो लव मैरिज एक भयंकर बुरा सपना बन के रह गया था। हम ड्रामा स्टार्ट करें इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और गाइज, मैंने इस ड्रामे को क्यों चूज किया है आपको ड्रामे की इन में ज़रूर पता चलेगा और अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा जोरों से बारिश हो रही थी जहाँ पर ड्रामे का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम जियांग होता है, और हमें दिखाया जाता है ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम सीरान था। उसे ऐसे ज़मीन पे ऐसे रखा गया था और वहाँ पर जियांग आता है और उसके बाद वो उसे बोल रही थी कि मैंने सच्ची में ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात पर भरोसा करो। वो उसका गला दबाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर एक और बार भरोसा करने की गलती करूँगा, तुमने मेरा प्यार और भरोसा दोनों ही खो दिया है। और सीरान बोल रही थी मैंने नहीं किया था भी। जियांग बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन और मेरी मॉम की मौत हुई है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन मैं श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें जीने भी ना दूं और मरने भी ना दूं। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम लोग मजे करो। यहाँ पर चार पांच ऐसे लोग थे जो गलत इरादों से थे और वो बोलता है कि तुम लोगों की हुई है और वो वहाँ से चला जाता है। शीरन बेचारी बहुत डरने लगती है और उसके बाद वो लोग उसे उठा के वहाँ से लेके चले जाते हैं और एक बंद जगह जैसा था उसके तरफ चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सीरन बहुत घबराई हुई थी और वो लोग उसके साथ कुछ करते उससे पहले पता नहीं क्या हो गया, जियांग वापस आ जाता है और उसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और वो सीधा उसे घर पे ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी सी मरने नहीं दे सकता, वो मेरी मजबूरी है, अब माफ़ कर देना, ऐसा वो बोलता है। और हमें दिखाया जाता है सीरन को काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, वो अपने फ्लैश बैक याद कर रही थी। वो उसके पास एक रिपोर्ट था जहाँ पर ये बोला गया था, डॉक्टर ने बोला था उसको पैनक्रियाटिक कैंसर है, उसके पेट में कैंसर है, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीना है और हो पाए तो अपने फैमिली वालों को बता दे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपने लाइफ के आखिरी पल ऐसे जीना सही नहीं है और ये चीज़ बहुत बड़ी भी है। तो अभी हमारी सीरन ये सोच रही थी कि अगर मैं उसे बताऊंगी तो वो और ज़्यादा खुश होगा और इसमें क्या फ़ायदा है कि ऐसे भी मैं तो ऐसे ज़िंदा लाश बन के ही रह रही हूँ ना, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आराम से मर जाऊँगी, ऐसा वो सोच रही होती है। सीरन की मुसीबत तो ख़त्म होने का नाम ले नहीं रही होती है और उसे ये भी पता चला उसकी मॉम और उसके भाई कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है तभी एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जिसका नाम लीन है और ये जियांग के घर पर ही रहती है। जो जियांग था उसने उसे बचपन से ही अपने घर पर रखा हुआ था, वो एक अनाथ लड़की हुआ करती थी। तो बेसिकली बोला जाए तो अभी लीन को उस पर बहुत बड़ा वाला क्रश है और वो सब कुछ सही होता तो शायद वो उसे शादी भी कर लेती, लेकिन बीच में सीरन आ गई थी इसीलिए वो उसे अपने सौतन की तरह लेती थी। और हमें ये दिखाया जाता है वो अभी सीरन के पास आती है और उसके बाद वो उसे बोलती है कि कैसा लग रहा है ये सब होने के बाद। तभी वो बोलती कि तुम क्या सोच रही हो, तभी जो लीन थी वो बोलती है कि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है तो तुम मेरे साथ ऐसा तो होना ही चाहिए ना, तुम्हारे साथ इससे भी बुरी बुरी चीज़ें होगी और तुम एक दिन ऐसे गायब होगी जैसे तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई गायब हुआ है। ये सुनने के बाद जो सीरन थी वो बोलती है कि इसका मतलब तुमने गायब किया मेरे मॉम और भाई को, बताओ कहाँ पर है। तभी जो लीन है वो बोलती कि मुझे नहीं पता, मैं क्यों बताऊँगी, मैं तो चाहूँगी ना तुम और तड़पो, तुमने जिस तरह से मुझसे मेरा प्यार छीना है इस तरह से मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँ। वो उसे बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे बताओ कहाँ पर है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। और तभी जो लीन थी वो देखती है कि बहुत दूर से जियांग आ रहा है इसीलिए वो उसे धक्का देती है पानी में और खुद ड्रामा करते कि खुद डूब गए। वहाँ पर जियांग आता है और उसके बाद वो पहले लीन को बाहर निकालता है और जो सीरन थी वो तो ऐसे डूबी जा रही थी। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि
वो उसे भी निकाल लेता है और वो बेहोश हो गई थी, उसे घर पे लिया जाता है। घर पे आने के बाद जब सीरन की आंखें खुलती है तो वो पाती है वो घर में है। वो बोलती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। सीरन तभी जो जियांग है वो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इतनी इजीली मर जाओगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुमने लिन को हाथ भी कैसे लगाया, उसकी जान लेने की ट्राई किया, अगर वो डूब जाती तो क्या होता, ऐसा वो बोलता है। तभी जो हमारी सीरन है वो बोल रही होती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टार्ट उसी ने किया था। तभी जो हमारा बंदा था रियांग वो बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पे आऊँगा। वो उसे उठाता है ले आता है और वो ऐसे बाथटब में जो पानी था उसमें ऐसे उसका मुंह डुबाता है, एक बार नहीं एटलीस्ट 10 बार डुबा लेता है। बेचारी सीरन उसकी तो जान ही निकल गई थी। और वो बोलता है कि तुमने मुझसे तो मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब बस लीनी तो बची है जो मेरी अपनी है, और तुम उसको भी मुझसे छीनना चाहती हो। मैं तुम्हारी लाइफ को ना इतना ज़्यादा गंदे तरीके से स्पॉइल करूँगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुमने मेरा बस प्यार देखा था, अब तो मेरा नफरत भी देखोगे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद ऐसे वहाँ से वो चला जाता है। सीरन जाती है हॉस्पिटल पे और वहाँ पर ओलिन से पूछ रही थी मुझे बताओ मेरा भाई और मेरी माँ कहाँ पर है। वो बोल रही थी कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता रही हूँ। वो उसे बोलती कि प्लीज़ बताओ, लेकिन वो नहीं सुनती। इसीलिए वहाँ पर एक नीडल जैसा था उसको उठाती है, बोलती कि अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, बताओ मुझे। वो बहुत घबराई हुई थी और उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। और तभी ये दिखाया जाता है कि जो लीन थी वो उसको पकड़ती है और उसके बाद खुद पे स्टैप करवाती है। और वहाँ पर जियांग आ जाता है, जियांग को ऐसा लगा इसने हार्म किया, वो उसे धक्का देता है जिसकी वजह से सीरान के सर पे बहुत बुरी तरह से चोट आ जाती है। लेकिन वो कुत्ता कमीना पति उसे देखता नहीं है बल्कि वो लिंक लेके वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो कुछ देर बाद जो हमारा जियांग था वो आता है और उसके बाद वो सेरहन को बोलता है कि तुम्हें मैं बिल्कुल छोड़ने वाला हूँ। वो उसे एक वेयरहाउस जैसे एरिया में बंद कर देता है जहाँ पर किसी चूहे या बिल्ली के लिए रहने जगह थी लेकिन इंसान को रखने जैसा जगह नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है और बिजली का कड़कना भी सीरन के लिए तो कोई सदमे से कम नहीं था। वो बहुत घबराई हुई थी। और हमें ये दिखाया जाता है अब जियांग को, जियांग लिन के पास होता है। हाँ जियांग उसे पूछती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, क्या तुम सच्ची में मुझसे शादी करने वाले हो, ऐसा बोल के उसे पूछ रही थी। और ये सुनने के बाद जियांग बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा, मैंने प्रॉमिस किया है तुमसे। और उसके बाद जो लिन थी वो बोलती है कि पर मुझे लगता है वो तुम्हें छोड़ने वाली है, ऐसे भी वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें तो पता ही है। ये सुनने के बाद जियांग बोलता है कि उसकी इतनी औकात नहीं कि वो मुझे डिवोर्स दे पाए, मैं उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। और हमें ये दिखाया जाता है जो हमारी सीरन थी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, वो ऐसे कमरे में बंद थी। और वहाँ पर जाता है जियांग और वो सीरन से बोलता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पे वो सब का भुगतना पड़ेगा, वो सब गलतियों का प्रायश्चित करना पड़ेगा जो तुमने किया हुआ है। तुमने मुझसे मेरी मॉम को छिनाया, मेरी बहन को छिनाया और अभी तुम लीन के साथ भी ये सब कर रही हो। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम जैसी लड़की ऐसी बन सकती हो, बोल के उसे ऐसे टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसके साथ ऐसे बदतमीजी करने की भी ट्राई करता है। डायरेक्टली बोलो तो उसे फिजिकली असॉल्ट करने की ट्राई करता है लेकिन बेचारी सीरन ओ वहीं पर बेहोश हो जाती है। ओ उसे गोदी में उठा के बाहर ले आ रहा था, सीरन की आंखें खुलती है और तभी ओ उसे बोलता है कि तुम ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही थी। ओ सीधा उसे वाल पे पटकता है और उसके बाद ओ उसे बोलता है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी, तुम्हें मुंह भी लगाऊंगा। ये सुनने के बाद सीरन बोलती कि मुझे इसका शौक भी नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है हमारे बीच में जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें कि मैंने नहीं किया, मेरी गलती नहीं, लेकिन तुम मेरे अलावा दुनिया में सबकी बातें सुनती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो बोलती है। और वो अपने साथ से एक छोटा सा चाकू निकालती है, बोलती है कि मुझे ऐसे जानने दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने आप को स्टेप कर लूँगी और तुम तो ये चाहते हो ना कि मैं मरूँ, तो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे सामने ही मरने के लिए रेडी हूँ, बोलती है। और उसके बाद वो उस चाकू को अपने आप को स्टैप कर लेती है और वो वहीं पर बेहोश जियांग वो उसे मरने तो नहीं दे सकता बेसिकली। सो वो उसे उठा के ले जाता है हॉस्पिटल पे, जहाँ पर हॉस्पिटल पे नर्स बोल रही थी कि इसकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, प्लीज़ आप अपनी वाइफ को अच्छे से रखिए। अब वाइफ तो थी इसकी, तो
जो हमारा जियांग था वो बोलता है कि इसको बस जिंदा रखना है, जरूरी नहीं कैसे जिंदा रखना है और क्या करना है। ये सुनने के बाद जो जियांग का असिस्टेंट था वो उसे बोल रहा था कि पर मुझे लगता है इस बार इसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं हो रहे इसके साथ, ऐसा वो बोल के उसे समझा रहा होता है। कि जो सीरन थी वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, जियांग उसे ऐसे छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जिसका नाम लीसी है, और ये मैंने सीरन का सीनियर था और उसे जानता था, उसे बचपन से जानता था और साथ में पले बड़े थे। तो और वो उसे बोलता है कि एक बात बताओ तुम कब तक ये सब करने वाली हो, कब तक ये सब झेलोगे, उसे सब कुछ पता था। तभी सीरन उसे बोलते हैं कि मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसे जब मैथ्स में भरोसा है ही नहीं तो मैं उसे कुछ भी एक्सप्लेन करके क्या करूँगी, ऐसा वो बोलती है, जो सही भी था क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है ना वहाँ पर भरोसा होता है, लेकिन गलत हुई बिल्कुल भी नहीं होती। हमें दिखाया जाता है जो लिसी था उसे बोलता है कि मुझे सच पता चल गया है तुम्हें कोई बीमारी है। और ये सुनने के बाद जो सीरन थी वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बारे में वो बिल्कुल भी जियांग को ना बताएगी। लिसी बोलता है कि मुझे लगता है उसे जानना पड़ेगा। तभी जो हमारी सीरन थी वो बोलते हैं कि अगर उसे पता चलेगा तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा, रहने दो। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो लिसी था वो सीरन को लेके घर पे आता है उसके घर पे, लेकिन हमारा जो जियांग है वो जब देखता है दोनों को साथ में तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो सीरन को बोल रहा था कि तुम ऐसे हालत में हो फिर भी तुम अपने आसपास मर्दों को लाना बंद नहीं कर रहे हो ना, जो तुम 2 साल पहले करती थी वही अभी भी कर रही हो, या 2 साल का क्या पंगा है हमको थोड़ा बाद में पता चलेगा। और जो ऋषि था वो बोला था कि मुझे लगता है तुम्हें इसका थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी वाइफ है। वो बोलता है कि मैं अपने बीवी के साथ जैसे भी बर्ताव करो मेरी मर्जी है, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, बोल के वो इवन जो हमारा ऋषि था उसे भी भगा देता है। ये सिलसिला बहुत लंबे वक्त तक चलता है। हमें ये पता चलता है कि जो सीरान थी उसका भाई जिंदा है लेकिन शायद उसकी मॉम जिंदा नहीं है, उसकी मॉम कुछ रीजन की वजह से मारी जा चुकी है, उसके पापा मारे जा चुके हैं। और जो सीरान थी उससे अब इतना फर्क पड़ता नहीं था जियांग के कोई भी बर्ताव से, क्योंकि एक हद होने के बाद ना कुछ ज़्यादा मायने रखता नहीं है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि जो सीरान थी वो अपने अंकल से मिलने के लिए गई हुई होती है, क्योंकि उसे ये पता चला था उसके अंकल के पास कुछ ऐसा एविडेंस है जिसकी वजह से वो अपनी बेगुनाह साबित कर पाए और उसके भाई के बारे में पता कर पाए। लेकिन वहाँ पर जब तक वो पहुँचती उसके अंकल की तो मौत हो जाती है, इवन उसे आग लगा के ऐसे मारने की ट्राई किया जाता है। जैसे वो आँख बंद करने वाली थी वहाँ पर जियांग पहुँचता है, उसे निकाल के बाहर ले आता है और वो अपनी आँखें खोलती है और वो पूछती है कि मुझे यहाँ पर कौन ले आया। ये सुनने के बाद वो बोलता है जो नर्स है कि एक बंदा था। और तब वहाँ पर जियांग आता है, जियांग को देखने के बाद वो बोलते कि क्या बात है तुम तो बहुत डिसअपॉइंट हो गए ना मुझे यहाँ पर जिंदा देखने के बाद, तुम तो चाहती हो मैं मर जाऊँ। और कोई बात नहीं मैं मरी नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, कितनी बार कहा है तुम जाओ तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ ऐश करो, उससे इलीगल वाइफ बनाओ जो भी करो। तभी जियांग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी इजीली डिवोर्स दे दूंगा, और वो हमेशा की तरह उसे बोलता है कि तुम्हारे एक एक सांस में सिर्फ मेरा हक है, और तुम जब तक अपने हरकतों की वजह से जो रिजल्ट हुआ है ना उसका सारा सज़ा नहीं भुगतोगी, मैं तुम्हें ऐसे आजाद तो बिल्कुल नहीं करने वाला, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है जो लीसी हमारा सीरन थी, हमारी सीरन वो जाती है एक जगह पे, उसे बोला गया था कि उसके अंकल की बॉडी मिलेगी वहाँ पर। वहाँ पर जाने के बाद एक होटल का वेटर था जो उसके साथ बदतमीज करने की ट्राई करता है और वो बोल रहा था कि तुम्हारे पति के नज़रों में तो तुम ऐसी ही लड़की हो जो हर किसी मर्द के साथ सोती है, तो मुझे लगता है आज तुम्हारे साथ सोने में कोई ऐसे बुरी बात नहीं है। और वो उसे ऐसे मॉलिश करने की ट्राई करता है, वहाँ पर जियांग आता है उसे तो निकालता है, लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा था वो बोला था कि क्या तुम इतना ही ज़्यादा गिर गई हो कि हर किसी लड़के के साथ लगी रहती हो। तभी जो सीरन थी वो बोलती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं मरूँ या जिंदा रहूँ, मैं किसी भी लड़के के साथ लगी रहूँ, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम्हें डिवोर्स नहीं हुई और अपने मिस्ट्रेस को घर पे लेके रखा हुआ है ना, तो इसमें क्या है। तभी जो
हमारा जियांग था वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारा भाई जिंदा रहे तो तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। ये सुनने के बाद वो शौक में, और वो बोलती कि तुम्हारा मतलब बाद में पता चला जो हमारी सीरन का भाई है वो तो जिंदा है और वो शायद उसको उसने बंद करके कहीं पर तो रखा हुआ है ताकि वो सही वक्त आने पर सीरन से उसका फ़ायदा उठा सके। और ये होता भी रहता है बहुत बार भी, चेरी के साथ बहुत गलत चीज़ें होती है और वो सब कुछ जियांग करवा रहा था और इवन वो कुछ लोगों के पास भेज देता है हमारी सीरन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली दो चार ऐसे बिजनेस पार्टनर होते हैं और वहाँ पर वो लोग को ये बोल देता है कि इसके साथ जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी एक्स वाइफ है। और बेचारी वहाँ पर बुरी तरह से फंस गई थी, लेकिन इसका जो नफरत था ना अलग ही लेवल का था, वो इतना भी नहीं गिर सकता था कि उसे मतलब मोलेस्ट होने दे। उसे लेके वापस आता है, वो देखता है जो हमारी सीरन है उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा डार्क ऐसे दाग थे जो चोट के निशान बोला जाए तो, और वो उसे पूछता है तुम्हारे चोट के निशान क्यों है। तभी सीरन पूछती है कि बोलती है वो तो तुम्हारे मिस्टेक को पता होगा ना, तुमने ही बोला था ना मुझे ऐसे मोलेस करवाने के लिए, मुझे पिटवाने के लिए, तो मैं क्या लगता है 2 साल तक मैं जब जेल पे थी एक ब्लेम की वजह से मैं ऐसे आराम से रह रही थी, मेरे साथ हर दिन जो भी होता था ना वो सब तुम करवाते थे, मुझे अच्छी तरह से पता है। ये सुनने के बाद उसे बोलता कि तुम्हारा मतलब, तभी जो सीरन थी वो बोलती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है जब मैं जेल पे थी तो तुमने मुझसे बदला लेने के लिए वहाँ पर बहुत लोगों को भेजा था जो मेरे साथ गलत करे, लकीली मैं बच तो गई लेकिन मेरे शरीर पे जो भी निशान है ना उसका सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाना चाहिए और जाता भी है, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो सीरन थी वो अपने फ्रेंड लिसी के साथ मिलकर अपनी बेगुनाही के सबूत ऐसे ढूंढने की ट्राई कर रही होती है और इस दौरान बार बार जो जियांग था उसे ऐसे उस पर गुस्सा निकाल रहा था, उसे मार रहा था, पीट रहा था, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उस सबको चुरा इस ड्रामे में। और ये उसका एक्सप्लेनेशन हमेशा यही होता था कि मतलब तुम ओ करती हो मुझे, और वो ये बोलता है कि मेरे परमिशन के बगैर तो तुम सांस भी नहीं ले सकती। किसी के लिए चीज़ बहुत मुश्किल थी, इवन उसने इतनी गंदी गेम खेला हुआ था ना, गंदा गेम, कि उसका जो भाई था उसको भी ऐसा लगता था कि उसकी बहन बहुत गंदी है। 2 साल पहले जब शादी हुई तो उसकी बहन ने उस दोनों को उसकी मॉम और उसके भाई को देखना ही बंद कर दिया और उस टाइम पे जियांग ने मदद की, तो ये सब कुछ चल रहा था। ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा टूटी भी हुई थी। और हमें अब ये दिखाया जाता है कि इतना कुछ हो गया लेकिन ये जो जियांग है वो तो अभी भी सीरन को डिवोर्स देने के लिए तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और ये देखने के बाद जो लीन होती है उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना आखिरी दाव खेलती है जहाँ पर वो उसे उठवा लेती है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो लिसी था, लिसी आता है जियांग के असिस्टेंट को, वो एक फाइल देता है जहाँ पर हमारी बंदी के सारे बेगुनाही के सबूत थे और वो असिस्टेंट आके उसे दिखा देता है, बोलता है कि असल में क्या हुआ था। तो बेसिकली 2 साल पहले जब हमारी सीरन गाड़ी चला रही थी उस गाड़ी में उसके पापा जो जियांग था, उसकी मॉम और उसकी बहन बैठी हुई थी और गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और जिस बात की वजह से उन दोनों की मौत हो गई और हमारी बंदी बच गई। तो एक्सीडेंट करवाने के जुर्म में 2 साल जेल चली गई, लेकिन अब एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है तो कोई मर्डर नहीं था, इसीलिए वो 2 साल के बाद जेल से तो वापस आ गई, लेकिन उसकी लाइफ जो जेल में थी उससे भी बदतर बन गया। और जो हमारी लीन थी वो ये भी बोल देती है कि ये सब मैंने करवाया है। तो करवाने का रीज़न ये था कि जो लीन थी उसे जब से जियांग ने उसे पाला है ना, उसे मतलब बचपन से लेकर जितना सपोर्ट किया उसे उस पर गंदा वाला क्रश हो गया था, मतलब उसे वो चाहिए था किसी भी कीमत पे। लेकिन जब मॉम और उसको पता चला, उसकी बहन को, तो मॉम तो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करती उस रिश्ते के लिए, क्योंकि अब ऐसे कोई रैंडम सी लड़की उसके घर की बहू कैसे बन सकती है, वो भी जिस लड़की को वो खुद के उसके बेटे ने पाला हुआ है, तो वो इसीलिए मना कर देती है। तो वो साइको लीन इतनी ज़्यादा भड़की हुई थी कि वो उन दोनों को अपने रास्ते से हटाने का डिसीजन ले लेती है और उसके बाद वही वो कार ब्रेक फेल करवाती है और उसने एक तीर से 2 निशाने लगाया हुआ था जिनमें से हमारी जो सीरन है वो भी फंस गई थी।
जब जियांग को ये सब पता चल गया तो वो तो सबसे पहले तो बेहोश ही हो गया। उसका असिस्टेंट उठा के उसे चेयर पे बैठाता है और उसके बाद दिखाया जाता है जो लीची थी वो किडनैप हो चुकी थी और जो लिन थी वो अपना भांडा फोड़ रही थी कि किस तरह से उसके रास्ते उसके और जियांग के बीच में आने की वजह से लिसी को इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। उसने अपने मॉम को खो दिया, अपने पापा को खो दिया, उसका खुद का भाई उसे पसंद नहीं करता, मतलब हद से ज़्यादा पत्थर उसकी लाइफ बना दी थी लिन ने और वो बहुत ज़्यादा गंदी तरह से टूट भी गई थी। हमें ये दिखाया जाता है जो लिसी जो हमारी साइड सिरन होती है उसे ऐसे मारने की ट्राई किया जा रहा था वहाँ पर पहुँच जाता है जियांग। और इसके बाद जियांग के पहुँचते ही तो वो तो अलग ही रूप दिखा रही थी और बोल रही थी कि ये देखो ना तुम्हारी वाइफ ये क्या कर रही है, ये किसी लड़के के साथ है और मैं रुकने की ट्राई कर रही थी लेकिन ये तो मान ही नहीं रही बिचारी। और ये सुनने के बाद जो जियांग था वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, तुमने जो मेरे और मेरी वाइफ के साथ किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा लेकिन मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है जो लिन थी वो बोली थी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ट्रस्ट मी, लेकिन ये ट्रस्ट मी अभी काम करने वाला बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसे सच पता चल गया। तो जो हमारी सिरन थी तब उसे पता चला कि फाइनली 2 साल ही सही लेकिन उसे सच तो पता चल गया और अभी ऐसा सिचुएशन था कि जो किडनैपर था उसके हाथ पे चाकू था और उसके जो सिरन थी उसके ऐसे कंधे पे रखा हुआ था चाकू। वो सोचती है कि फाइनली मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव कर पाई, शायद ये ज़रूर है कि हमारे बीच में वो सब अभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। और उसके बाद उस बंदी से खुद ही अपने आप को स्टेप करवाती है और उसके बाद वो वहीं पर गिर गई। जियांग उसे संभालने की ट्राई करता है और जो लिन होती है वो तो बहुत खुश होती है कि ये तो मर गई अब तो कोई टेंशन नहीं और बहुत ज़्यादा हंसी हंसने लग जाती है। और जियांग उसे उठाने की ट्राई कर रहा था ऐसा कोई काम करता नहीं है। हॉस्पिटल पर दिखाया जाता है उसका दिमाग खराब रखा था और रो रहा था चिल्ला रहा था कि मेरी बीबी को बचाओ बचाओ। और जो हमारी बंदी थी सिरन उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और वो बस वही में उसके साथ पहले बहुत गंदी चीज़ हुई है, आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो सब कुछ हुआ है और वो भी उस रीज़न कि उसका खुद का पति जिससे उसने इतना ज़्यादा प्यार किया था उसकी वजह से हुआ था। लेकिन उसे बस मरते टाइम अपने आखिरी वक्त में वही मेमोरी याद आ रही थी जो उसने उसने अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए थे। यानी कि मरते टाइम कोई भी अपनी बुरी चीज़ों को याद नहीं करता, बस अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करता है। और उसका जो होता है कंप्यूटर मतलब जो देखता है कंप्यूटर में जो ECG वो सब कुछ वो हार्ट बीट वो सब कुछ ऐसे ही डाउन हो गया और शायद वो यहीं दम तोड़ देती है। और मुझे इस टाइम पे ऐसा लगा कि फाइनली उसे आज़ादी मिल गई। और हमें ये दिखाया जाता है कुछ देर बाद इस लाइक होता है कुछ दिनों बाद जहाँ पर जो जियांग होता है ऐसे सी साइड पे था और वो ऐसे पिजन्स को चारा खिला रहा होता है। तभी लिसी आता है और वो एक बॉक्स देता है जहाँ पर सिरन का कुछ लेटर्स रखा हुआ था। और उसके बाद जो हमारा जियांग होता है उस लेटर को ओपन करता है तो उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि मैंने तुमसे शादी इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, नो डाउट मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुमने मुझे कभी भरोसा किया ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया तुम वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, मैंने कितना ट्राई किया तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करवाने की लेकिन तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं। और उसके बाद उसने ये लिखा हुआ था बाकी कि फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया इस लाइफ में, मैंने तुम्हारे साथ जितने भी अच्छे मोमेंट्स बिताए ना मेरे लिए वो इनफ है, लेकिन अगर मुझे दूसरा मौका मिलेगा ना दूसरी लाइफ में ऐसे इंसान बन के पैदा होने का तो भी मैं तुम्हारी वाइफ बन के पैदा ऐसे जीना पसंद करूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि उस टाइम पे मुझे भरोसा कर लेना, मेरी बातों पे भरोसा करना और मुझे रुलाना मत,
बढ़ना ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें उस टाइम पे माफ़ ना कर पाऊँ, और हो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार ना कर पाऊँ जो प्यार मैं अभी करती हूँ, ऐसा उसने लिखा था। और उसने ये भी लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जाते जाते तुम्हें अपनी एक बच्ची भी नहीं दे पाई, यानी कि मतलब कोई चाइल्ड भी दे नहीं पाई जिसको देख के तुम मुझे याद कर पाओ। मुझे पता है तुम मुझे इजीली भूल जाओगे, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी लाइफ के बेस्ट मेमोरी थे। हमारे बीच में जो भी हुआ है उसको अलग रखूँगी, तो तुम मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट मेमोरी हो, और मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूँगी। इतना लिखा हुआ था, और यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म हो गया। एंड मुझे ऐसा लगा गाइस, ये ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन हद से ज़्यादा गंदी चीज़ें होने के बावजूद भी जो एंड में उसे अकेला रहना पड़ा, पूरी लाइफ वो सफ़र करेगा ना अपनी वाइफ के साथ, किरण के साथ, उसने जो भी किया वो बस सफ़र करता रहेगा और ऐसे सम याद करके रोता ही रहेगा, अपने आप को कोसता रहेगा, लेकिन कभी भी उसके साथ उसकी वाइफ नहीं होगी, सीरन नहीं होगी, क्योंकि सीरन को ऑलरेडी आज़ादी मिल गई है, और वो शायद किसी और जन्म हो या फिर इसी जन्म हो, लेकिन अब दोबारा उसकी वाइफ तो बिल्कुल नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने इस ड्रामे को चूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा ड्रामा। आप लोग बताओ, आप लोगों को इस ड्रामे को लेकर क्या थाट है? मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने कर दिया। मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। तो आप इसके साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट ड्रामा स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। अगर ड्रामा पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहेगी। और हाँ, आप लोग किस तरह की ड्रामा देखना पसंद करते हो वो भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।